नमस्कार दोस्तों, वकील साहब इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ प्रेसिडेंट के कैंडिडेट श्री जयवीर सिंह चौहान हमारे साथ हैं। आज उनसे पूछते हैं आखिर क्या वजह है ये जो डीबीए का इलेक्शन अचानक जो है इन्होंने कैंसिल हो गया है, इसकी मेन वजह क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, जो पिछली एग्जीक्यूटिव कमेटी ने जो इलेक्शन कमीशन बनाया है ना, वो बहुत ही कमज़ोर अनएक्सपीरियंस इलेक्शन कमीशन है। जो पुराने हमारे बारे के पदाधिकारी हैं, प्रेसिडेंट पर्टिकुलर संजीव नसियार, उसने सिर्फ अपने दोस्तों को मोबिलाइज करने के लिए, उनके जो दोस्त हैं जो उनके इलेक्शन में सपोर्टर रहे हैं, उनको पूरा इलेक्शन कमीशन बना दिया। जो बार के एक्सपीरियंस लोग हैं, सीनियर लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो हर साल इलेक्शन कराते थे, उसमें से किसी को उन्होंने नहीं लिया। सिर्फ एक पर्टिकुलर आदमी को इलेक्शन जिताने के लिए उन्होंने एक अपनी टीम बनाई, जिसमें सारे अनएक्सपीरियंस जिनका कभी इलेक्शन कराने में रोल ही नहीं रहा, उनको कमेटी बना दिए। और उन्होंने ना तो मैनेजमेंट को जानते, ना हाउ टू कंडक्ट द इलेक्शन, वोटर लिस्ट कैसे बननी है, कहाँ पे इलेक्शन होना है। इतने सारे लोगों के इलेक्शन हर साल बार पार्किंग में होता है, उन्होंने एक हाल में करा दिया जो कि 500 लोगों के लिए था, उसमें 6000 लोग कहाँ से वोट डाल सकते हैं। सर, आप क्या समझते हैं, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ या किसी की शय पर इलेक्शन को कैंसिल किया गया है? हाँ, बिल्कुल वेस्टेड इंटरेस्ट था। उनका एक मोटिव था कि उन्होंने उनके पर्टिकुलर एक या दो कैंडिडेट उनके थे, उन्होंने चूज़ किए थे कि उनको इलेक्शन, अगर वो जीत रहे हैं तो इलेक्शन चलेगा, नहीं तो वो हार रहे थे तो इलेक्शन कैंसिल करा दिया। आपने देखा कितने लोग, कितनी भारी मात्रा में लोग वोट डालने आए, उनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं, कोई स्लिप का अरेंजमेंट नहीं, कोई बैलेट का अरेंजमेंट नहीं, कोई मशीन पे प्रॉपर सिस्टम नहीं, उनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, सफोकेशन इतनी, लेडीज़ के साथ बहुत बदतमीजी हुई, मिसबिहेव हुआ। तो वोटर यहाँ पे अपनी पर्चियाँ फाड़ फाड़ के जा रहे थे और गाली दे रहे थे पुराने एग्जीक्यूटिव कमेटी को और इलेक्शन कमीशन को। आप क्या इसमें कैंडिडेट को भी कहीं हद किसी हद तक दोषी मानते हैं? नहीं, कैंडिडेट का तो जिनकी सेटिंग थी इलेक्शन कमीशन में, उन्हीं को दोषी मानता हूँ, जो अनफेयर मीन से इलेक्शन जीतना चाह रहे थे। और उनकी मंशा सुबह से यही थी कि ये इलेक्शन अगर वो जीत रहे हैं तो होगा, नहीं तो कैंसिल। और हालात वही हुई है, मतलब वोटर की भावनाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा गया। सफरर इसमें वोटर है। देखिए, कैंडिडेट की तो अपनी मेहनत है, कैंडिडेट ने मेहनत करनी है, लेकिन बार हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बार उसके ऊपर इतना धब्बा लगा, ये तीसरी बार में इलेक्शन कैंसिल हो रहा है कि वर्ल्ड में ये बार जानी जाती है। और यहाँ के वकीलों की एक तारीफ है, बड़े संयम से काम करते हैं, रेपुटेटेड वकील हैं, उनको इतना सफ़र करना पड़ा, महिलाओं को, हमारी बहनों को, उनके साथ बदतमीजी हुई और आप सोच नहीं सकते किस हद तक बदतमीजी की। और इलेक्शन कमीशन में कौन लोग थे आप सोच नहीं सकते, जिनको कभी देखा नहीं, कड़कड़ुमा से, पटियाला से, द्वारका से, साकेत से, रोहनी से, सोनीपत से, ऐसे ऐसे लोग जिनको हम नहीं जानते, और वो बार का आई कार्ड लगा के, जो इलेक्शन कमीशन का आई कार्ड लगा के, जिनको हमने पहली बार सुबह देखा, वो इलेक्शन होल्ड कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए वोटर का ध्यान नहीं था, उनके लिए जाली वोटिंग कर रहे थे। क्या इलेक्शन कमीशन ने कोई आश्वासन आपको किया, एश्योरेंस दिया है कि कब इलेक्शन दोबारा से होंगे? इलेक्शन कमीशन ये करा ही नहीं सकता, इन कंपिटेंट लोग हैं, करप्ट लोग हैं। और यहाँ 94 कैंडिडेट हैं, उनकी 3 बार मीटिंग हो चुकी है, जनरल वोटिंग मीटिंग है, उसमें अस्विश्वास प्रस्ताव पास कर दिया कि इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट है, करप्ट है, अनएक्सपीरियंस है। और एक नया रेजुलेशन पास करके दिया है कि बार से 15 लोगों को सेलेक्ट किया है जिन्होंने कभी किसी की कंपेन नहीं की, जिनको इलेक्शन कराने का बहुत अच्छा तजुर्बा है, जिनकी रेपुटेशन इमेज बहुत अच्छी है, उसमें श्री रविंदर सिंह हैं, आर एन वत्स हैं, बलजीत धीर हैं, दीपक खोसला जी हैं, भानु प्रताप सिंह हैं, आर के सिंह हैं, मतलब ऐसे बहुत मोस्ट एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने यहाँ 10-10, 20-20 इलेक्शन कराए हैं। उनको 15 लोगों का नाम अप्रूव किया है जनरल बॉडी में, जिसमें 94 कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट करें, सबके साइन है। हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिया कि आप एक हाई पावर कमेटी बनाओ, ये 15 लोग इलेक्शन कराएंगे, आप साइड में बैठ जाओ, इनको कराने दो और अपने जो करप्ट प्रैक्टिस है उसको छोड़ दो, इस बार की इमेज को ध्यान में रखो। तो आज भी हमने उन लोगों का ये 15 लोगों की हाई कमेटी बना दो, ये ईमानदार है, ये इलेक्शन करा सकते हैं बार में और वोटर्स के लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। राजीव खोसला जो कि ओपनली एनसी गुप्ता साहब को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने एक ओपन एक व्हाट्सअप किया आम मेंबर्स को, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि जो जिम्मेदार है मेनली वो है संजीव नसियार, क्योंकि 20 लाख रुपये महीने की आमदन का मसला था, इसकी वही है, उसी के शेयर के ऊपर ये इलेक्शन कैंसिल किया गया। आपको क्या कहना है?
राजीव खोसला जी बार में एक्सपीरियंस है, लेकिन वो हाईकोर्ट शिफ्ट हो गए, उनके पास ही ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो वो ठीक कह रहे हैं, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन बार में करप्शन तो सभी जानते हैं, पार्किंग से अदर सोर्स से, तो वो चाहते हैं। देखिए अभी भी क्या किया उन्होंने, इलेक्शन कमीशन बना दिया। इलेक्शन कमीशन बार से, बार ऑफिस से इलेक्शन कंडक्ट करता है, उनको उठा के एक लालचंद वत्साल में छोटा सा कोना दे दिया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। और आज भी बार इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं है, संजीव नसियार ही होल्ड कर रहा है, उसी के इशारे पे सारे काम हो रहे हैं, ये इलेक्शन भी संजीव नसियार के इशारे पे कैंसिल हो गया, ही इज़ द सोल रिस्पॉन्सिबल। आप क्या क्या आप इसको चैलेंज करना चाहेंगे? मैं अकेला नहीं कह रहा, 94 कैंडिडेट आज ये कह रहे हैं, संजीव नसियार के लोगों ने जानबूझ के संजीव नसियार के सह पे इलेक्शन कैंसिल कराए एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जिताने के लिए, ठीक है ना। ये मैं, ये राजीव खोसला अकेला नहीं कह रहा, जयवीर चौहान नहीं कह रहा, ये डीके शर्मा भी कह रहा है, ये एनसी गुप्ता भी कह रहा है, ये राजेंद्र सिंह भी, चौधरी राजेंद्र सिंह भी कह रहा है, ये विकास गोयल भी कह रहा है, ये दीपक शर्मा भी कह रहा है, जितने कैंडिडेट हैं ये सब यही कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, और यही प्रैक्टिकल चीज़ें हैं देख रहे हैं। ये सिर्फ हम कैंडिडेट नहीं देख रहे, ये बार के सभी वोटर देख रहे हैं, और ये सभी वोटर की वो है, फीलिंग है। और मैं कहता हूँ हिंदुस्तान में ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हिंदुस्तान की एक रेपुटेशन खराब हुई है, बार की रेपुटेशन खराब हुई है, और जो इसमें सबसे ज़्यादा सफरर है हमारे बहन भाई हैं जो वोटर हैं, सीनियर मेंबर हैं। सीनियर मेंबर के लिए कोई व्यवस्था नहीं, अलग लाइन, लेडीज़ के लिए कोई अलग लाइन, पानी की व्यवस्था नहीं, इतना क्योस हो गया, वो खड़े नहीं हो सकते, मतलब जहाँ 10 लोग खड़े होने की जगह वहाँ पे 200 लोग खड़े थे, उनके सांस गुड़ के 25 लोग औरतें लेडीज़ हमारी बहनें बेहोश हो गई, उनको ट्रीटमेंट दिलाना पड़ा। क्या कैंडिडेट के साथ कोऑर्डिनेशन किसी प्रकार का नहीं किया गया था? क्या कभी उन्होंने आपको लोगों को बुलाया नहीं था कि ये सिस्टम के साथ ये आपका जो इलेक्शन हो रहा है इसके अंदर आप कोऑपरेशन दीजिएगा? देखिए इलेक्शन कमीशन ने कभी नहीं बुलाया, हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास गए थे, हमने जो सजेशन दिए कि हमने कहा ये लोग करप्ट प्रैक्टिस में है, इनकी आप ड्यूटी हटाइए, ना तो उनकी ड्यूटी उठाई। इसके अलावा एक संजीव नसियार की टीम है पूरी दिल्ली की, जो संजीव नसियार को इलेक्शन लड़ाती है और संजीव नसियार के कैंडिडेट को इलेक्शन लड़े, वो टीम जो बार के मेंबर ही नहीं है वो इलेक्शन कंडक्ट कर रहे थे, हमने सुबह पहली बार देखा और हमें सरप्राइज हो गए कहाँ से आ गए। उन्होंने हाईजैक किया इसको, बोकस पोलिंग किया उन्होंने, लेडीज़ के साथ मिसबिहेव किया, ये सब ने देखा है। और वोटर इतने गुस्से में था कि अपने स्लिप लेके फाड़ फाड़ के गया कि हमें ऐसे ही मॉल में हम वोट नहीं डाल सकते, इलेक्शन कमीशन पे फेथ नहीं है। मेरे ख्याल है 200 लोगों ने इलेक्शन कमीशन को मौके पे गाली दी है, हमारी बहनों ने गाली दी है, और एक दो लेडीज़ ने तो चप्पल निकाल ली इलेक्शन कमीशन को मारने। इलेक्शन कमीशन आज भी इतना इतना बदतमीज है, इतना इंटरेस्ट है उसका, या तो उसने पैसे लिए हुए हैं, या तो उसका कोई अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, कोई सेटिंग है। अगर कब तक उम्मीद करें आपका कि इलेक्शन होने की? देखो सबसे पहले मैं ही कहूँगा, अगर कोई शरीफ आदमी होता तो इलेक्शन कमीशन से रिजाइन कर देता कि एक्सपीरियंस लोगों को आप बैठाओ, वो इलेक्शन कराएंगे, हम उनको कोऑपरेट करेंगे। उसका पर्सनल मोटिव है, पर्सनल इंटरेस्ट है, संजीव नसियार के सारे पे काम कर रहा है, इसलिए वो छोड़ना नहीं चाह रहा, बेशर्मी पे उतरा हुआ है, इतने लोगों ने उसकी बेइज्जती की है, डिस्पाइट दिस वो बैठा हुआ है, मतलब बेशर्मी के इंतहा है। उसको बार के इंटरेस्ट से कोई लेना, बार के रेपुटेशन से कोई लेना नहीं, हिंदुस्तान में दिल्ली बार एसोसिएशन का नाम है, जिसके रेपुटेशन पे उसने धब्बा लगाया है। मैं तो कहूँगा उस बड़ा शेम है, ऐसे लोगों को तो बार में मेंबर बनने का भी राइट नहीं है। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच सर, सो नाइस।